नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय मेरो एक्सप्रेस चैनल में हूँ शरद। शुरू करते हैं एक्सप्रेस बुलेटिन, करते हैं रुख शहर की खास खबर की ओर। विश्व विख्यात जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर के दान पात्रों ने उगली लाखों में दान राशि। पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर में आने वाली चढ़ावा राशि में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। ब्रह्मा मंदिर की अस्थायी प्रबंध कमेटी ने करीब 35 दिनों बाद सोमवार और मंगलवार समेत दो दिन में मंदिर के दान पात्रों को खोला, जिसमें से कुल 14,27,000 रुपये की चढ़ावा राशि की गिनती की जा चुकी है। अस्थायी ब्रह्मा मंदिर प्रबंध कमेटी के ATO राकेश शर्मा ने जानकारी दी है कि करीब 35 दिनों में ब्रह्मा मंदिर के दान पात्रों में से 14,27,000 रुपये की दान राशि की गिनती की जा चुकी है। दिनांक 10 और 11 तारीख को ब्रह्मा मंदिर में स्थित सभी दान पात्रों को खोला गया, जिसमें दिनांक 10 को जो गिनती हुई नोटों की, उसमें 9,79,790 की धनराशि प्राप्त हुई है। और जो आज पूरी गणना की गई है, इसमें 4,47,615 रुपये प्राप्त हुए हैं। ऐसे दोनों दिन की कुल मिलाकर के राशि 14,27,405 रुपये दान राशि प्राप्त हुई है। ये लगभग 35 दिन के अंतराल से खोली गई है। राजकुमार रॉय और अभिनेत्री पत्रलेखा ने पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर आने वाली फिल्मों की कामयाबी की मनोकामना मांगी। फिल्म अभिनेता राजकुमार और अभिनेत्री पत्रलेखा मंगलवार तीर्थ पुरोहित शत्रुंजय पाराशर और जीतू पाराशर के सानिध्य में दोपहर को जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर जगत पिता के दर्शन किए। वहीं अभिनेता राजकुमार रॉय और अभिनेत्री पत्रलेखा ने उतार कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद दोनों अभिनेताओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना के लिए ब्रह्मघाट पहुंचकर पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर आने वाली फिल्मों की कामयाबी की मनोकामना मांगी। आई मीन पुष्कर हैव अ ग्रेट टाइम हियर। हम लोग टेंपल गए थे, सरोवर गए, थैंक्स टू विकास जी एंड चंद्र जी, उन्होंने सबको जब भी मौका मिले जिंदगी में, जब ब्रह्मा जी बुलाएं पुष्कर जरूर आना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। तो बॉलीवुड के जाने माने कलाकार राजकुमार राव जी थे, जो पुष्कर में आके उन्होंने सरोवर की पूजा की, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए और उन्होंने अपनी फिल्मों की कामयाबी के लिए और उनके चलने के बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे उनके लिए उन्होंने सरोवर की पूजा की और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। उनके साथ कौन थे? उनके साथ में काम करने वाले एक्ट्रेस थे, जिनकी 2 या 3 फिल्में आई थी उनके साथ में, लेडी थी। और उनके साथ में उनके एक असिस्टेंट थे और उनके PR थे। अच्छा, 3 लेडी थी। सरोवर पूजा ने क्या कामना की इसे? उन्होंने उनके आने वाली फिल्मों के लिए की थी। उनकी 3-4 बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है और जिसके अंदर लूडो फिल्म थी उनकी नई आने वाली है और भी बहुत सारी फिल्में हैं। जैसे उन्होंने स्त्री में काम किया, सिटी लाइट में काम किया या गैंगो वासेपुर में काम किया, इनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रही है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और वो पुष्कर के लिए बहुत आस्था रखते हैं, ब्रह्मा मंदिर के लिए आस्था रखते हैं। पहले भी आए थे ये, 1 साल भर पहले आए थे, उन्होंने भी उस समय दर्शन किए और भविष्य में और भी आएंगे, उन्होंने पुष्कर राज के लिए आस्था रखी है। पुष्कर के बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल में मंगलवार को UIT ज्ञान केंद्र के निदेशक दिलीप कुमार उदय की ओर से कंप्यूटर डिजिटल साक्षरता का लगाया गया शिविर। शिविर के तहत निदेशक उदय ने छात्र छात्राओं को कंप्यूटर डिजिटल साक्षरता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के साथ साथ राजस्थान सरकार द्वारा संचालित RSCIT कोर्स और कंप्यूटर के संबंध में जानकारियां उपलब्ध कराई। UICT IT ज्ञान केंद्र पुष्कर के द्वारा आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर दोनों में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में राज्य सरकार द्वारा आयोजित RSCIT कोर्स और अन्य कोर्स के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई और साइबर सिक्योरिटी के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल लिटरेसी के बारे में बच्चों को अवगत कराया गया और जागरूक किया गया और उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि राज्य का प्रत्येक नागरिक
स्मार्ट डिजिटल सिटीजन बनकर राजस्थान का गौरव बढ़ाए, इसके लिए हमने एक सेमिनार का आयोजन किया गया और सेमिनार के लिए विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय ने हमें अनुमति दी, इसके लिए उनका आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू।